सबसे पहले आप सभी को मेरा आदर भरा प्रणाम मैं शशि किरण फिर एक बार आप लोगों के समक्ष अपनी प्रस्तुति लेकर उपस्थित हुई हूँ आज एमसीएन की एन किन्नौर फेसबुक लाइव में आप सभी का हार्दिक स्वागत है एमसीएन की एन किन्नौर के फाउंडर श्री राम भगत नेगी जी का तह दिल से धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे आज इस मंच पर बोलने का मौका दिया साथ ही साथ हमारे भारतवर्ष के अनेक राज्यों के महान लेखककार का भी तह दिल से धन्यवाद है जो एम सी एन किन्नौर में अपनी लाइव प्रस्तुति देकर हमें बहुत कुछ सिखाते हैं और हमें उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है और उनकी ऐसी ऐसी रचनाएं से हमें ऐसी प्रेरणा मिलती है और हम भी धीरे धीरे आप लोगों से आपकी रचनाओं को देखकर सुनकर हम बहुत ही ज्यादा प्रेरित होते जा रहे हैं तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा भारत और पूरा संसार बहुत ही क्रूशियल स्टेज से गुजर रहा है जैसा कि महामारी हमारे कोरोना काल से लेकर और अभी तक भी रुकने का नाम नहीं ले रहा यह हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी है अपने रोज़गार को लेकर अपने स्वास्थ्य को लेकर हमारे व्यापार को लेकर कर हमारे शिक्षा को लेकर भी बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा परेशानी है तो आज इसके चलते मैंने अपनी एक कविता लिखी है तो तो चलिए शुरू करते हैं आज की कविता है इस महामारी पर है कोरोना आज आज फिर फिर से से बढ़ने बढ़ने लगी है आज फिर से बढ़ने लगी है धरती पर जंग हर जंग से हमें लड़ना है हर जंग से हमें लड़ना है आज ना सही तो कल कोरोना से लड़ना है आज ना सही तो कल कोरोना से लड़ना है खौफ का कहर बढ़ते जा रहा है खौफ का कहर बढ़ते जा रहा है अब कोरोना धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है अब कोरोना धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है ना जाने कौन सा रूप धारण किए बैठा है ना जाने कौन सा रूप धारण किए बैठा है अपना रूप और भी भयंकर किए जा रहा है अपना रूप और भी भयंकर किए जा रहा है ना रूप है ना रंग है ना दिखता है ना सुनाई बस ये जीवन के संग है बस ये जीवन के संग है ना जाने ये कैसी जंग है ना जाने ये कैसी जंग है बस सिर्फ छूने की देरी है बस सिर्फ छूने की देरी है फिर देखते ही देखते जीवन की इस जंग से अंधेरी है बस सिर्फ छूने की देरी है बस सिर्फ छूने की देरी है फिर देखते ही देखते जीवन की इस चंग से अंधेरी है काल है या जाल है काल है या जाल है बहुत ही मायावी जाल है बहुत ही मायावी जाल है जीव जंतु और प्राणी पूरा ब्रह्मांड इसके चपेट में फंसे है प्राण जीव जंतु और प्राणी पूरा ब्रह्मांड इसके चपेट में फंसे है प्राण ना जाने कैसा पाप फूटा है ना जाने कैसा पाप फूटा है धरती पर अब मनुष्य इस पाप की कठपुतली है धरती पर अब मनुष्य इस पाप की कठपुतली है कम कर इस धरती पर पाप कम कर इस धरती पर पाप क्योंकि यह धरती सबकी अपनी है क्योंकि ये धरती सबकी अपनी है ए प्राणी मत कर अपनी मनमानी ए प्राणी मत कर अपनी मनमानी ये धरती है रची ये धरती है रची ईश्वर ने अपने हाथों से अपने हाथों से तो क्यों बिगाड़ रहा तू अभिमानी तो क्यों बिगाड़ रहा तू अभिमानी कुदरत ने ये कैसी कर दी सृष्टि की कहानी कुदरत ने ये कैसी कर दी सृष्टि की कहानी मनुष्य को घर में कैद कर बना दिया पिंजरे का प्राणी मनुष्य को घर में कैद करके बना दिया पिंजरे का प्राणी अब समझ में आए न आए अब समझ में आए न आए पर कुदरत ने यह कर दिखाया पर कुदरत ने यह कर दिखाया समय काम अन्न इन सबका जीवन में आभास कराया समय काम अ, अन इन सबका जीवन में आबास कराया कोरोना तूने धरती पर आकर पूरे संसार का नियम परिवर्तन कराया कोरोना तूने धरती पर आकर पूरे संसार का नियम परिवर्तन कराया <cierze> अब तो कोरोना का कहर फैल रहा है अब तो कोरोना का कहर फैल रहा है ना जाने क्यों और किस लिए ये ये लिए धरती इसे झेल रहा है ना जाने क्यों और किस लिए ये धरती इसे झेल रहा है और कब तक चलेगा यह कब तक चलेगा ये इम्तहान अब तो मनुष्य धीरे धीरे बेबस होते जा रहा है अब तो मनुष्य धीरे धीरे बेबस होते जा रहा है जीवन में कुछ भी काम करने से पहले जीवन में कुछ भी काम करने से पहले भगवान अब तुझे ही पुकार रहा है भगवान अब तुझे ही पुकार रहा है मुंह पर मास्क पहनकर कोरोना को भगाना है मुंह पर मास्क पहनकर कोरोना को भगाना है अच्छे से नियमों का पालन करके देश संसार को बचाना है अच्छे से नियमों का पालन करके देश संसार को बचाना है। कोरोना का नाम सुनकर उल्टे पांव भागते हैं लोग कोरोना का नाम सुनकर उल्टे पैर भागते हैं लोग सलाम है उन डॉक्टर नर्सों को सलाम है उन डॉक्टर नर्सों को अपनी जान की बिना परवाह करें हमारी जान बचाते हैं ये लोग अपनी जान की बिना परवाह किए हमारी जान बचाते हैं ये लोग कहने और लिखने के लिए तो कोई शब्द नहीं है मेरे पास कहने और लिखने के लिए तो कोई शब्द नहीं है मेरे पास बस धरती पर ईश्वर के बाद आप दूसरा स्वरूप हो बस धरती पर ईश्वर के बाद आप दूसरा स्वरूप हो गरीब तो गरीब पर तो कहर टूटा है, गरीब पर तो कहर टूटा है कमाने कमाने कहा ये जाए कमाने कहा ये जाए बंद पड़ा है बंद पड़ा है सब कुछ बंद पड़ा है सब कुछ बेबस बेबस, भी बुख, मरी से मरे जाएंगे भविष्य के लिए हमने सीख मिली है भविष्य के लिए हमें सीख मिली है आने वाली पीढ़ी को बताएंगे आने वाली पीढ़ी को बताएंगे पीढ़ी दर पीढ़ी कभी लाचार ना हो ऐसी सीख सिखाएंगे पीढ़ी दर पीढ़ी कभी लाचार ना हो ऐसी सीख सिखाएंगे फिजूल, पैस, फिजूल पैसा तुम ना खर्चो फिजूल पैसा तुम ना खर्चो भविष्य में तुम पछताओगे भविष्य में तुम पछताओगे भोजन का अपमान ना करना भोजन का अपमान ना करना तिनको तिनको के लिए तरसोगे के तिनको तिनको लिए तरसोगे स्कूल कॉलेज बंद पड़े हैं स्कूल कॉलेज बंद पड़े हैं रैली तुम निकलवाओगे रैली तुम निकलवाओगे रैली खत्म हुई तो फिर से कोरोना काल दर्शाओगे रैली खत्म हुई तो फिर से कोरोना काल दर्शाओगे समझ में नहीं आ रहा क्या है कोरोना की सच्चाई समझ में नहीं आ रहा क्या है कोरोना की सच्चाई कोई डराता है तो कोई समझाता है कोई डराता है तो कोई समझाता है तो कैसे लड़े इस जंग से लड़ाई तो कैसे लड़े इस जंग से लड़ाई तो मेरे आज की यह कविता आशा करती हूँ कि आप सभी को बहुत पसंद आई होगी और जो भी मेरे प्यारे दर्शक इस वक्त मुझे बहुत ही प्यार से सुन रहे हो आप लोगों का तय दिल से धन्यवाद है जो आप इतने खूबसूरत तरीके से मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स कर रहे हो मुझे आगे की ओर प्रोत्साहित कर रहे हो मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है जैसे कि हम सभी को पता है कि आज हमारे भारतवर्ष पूरे संसार में इस कोरोना को लेकर हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं ज़्यादा से ज़्यादा इंसान कोरोना से दुखी नहीं भुखमरी रोजगारी इन सब और शिक्षा का बंद होना शिक्षा संस्थान का बंद होना और ऐसे कई चीज कई चीज़ों का हमें फेस करना पड़ रहा है तो इस कोरोना का हमें जब तक हम पे बीते ना तब तक हम पे विश्वास नहीं हो रहा कि ये सच में है या नहीं है और ऐसे मीडिया वाले हमें भी इतना सब कुछ बताते हैं कि ये कोरोना से इतने लोग मारे जा रहे हैं इतना सब कुछ हो रहा है तो हमें एक तरफ़ा हमें एक मजा मज़ एक तरफा ऐसा लग रहा है कि ये हमें हमें बस एक कोरोना के नाम से डराया जा रहा है जब असलियत हमें नहीं पता क्या है कोई क्या, क्या लूट पाट मची कुछ समझ नहीं आ रहा है पता नहीं जो कुछ भी है बस भगवान से यही दुआ करती हूँ कि यह ये बहुत ही क्रूशियल स्टेज ये हमारे पूरे दुनिया से जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए जल्द से जल्द हम पहले की तरह हमारी जीवन वैसी हो जाए हम फिर से अपने दोस्तों के साथ मिले जुले सब हम पहले की तरह सारी व्यवस्थाएँ फिर से ठीक हो जाए तो भगवान से मेरी यही दुआ रही रहेगी कि हम सब के जीवन में सुख शांति और खुशियां फिर से लौट कर वापस आए तो, तो चलिए मेरी अगली प्रस्तुति है जो आजकल फेसबुक पर ऐसा बहुत ही ज्यादा एक पोस्ट वायरल हो रहा है जैसे कि हमारे पेड़ पौधों को लेकर और जैसे कि हमें पता है कि हमारे भारत में ऑक्सीजन की कितनी कमी हो रही है तो और बाहर से हमारे विदेश से हमारे लिए ऑक्सीजन को परचेज किया जा रहा है तो हमें हम अपने पर्यावरण को लेके हम कितने जागरूक है हम कितने जागरूक है हम अपने एनवायरनमेंट को लेके अपने पर्यावरण को लेके हम कितने जागरूक है तो आज इस पर मेरी एक छोटी सी कविता है कि हमारे पेड़ पौधों को किस तरीके से हम काटते हैं हमें कोई परवाह नहीं हाँ काटना काटने का भी एक जरूरी जरूरी तो है पर हमें नीड्स है पेड़ पौधों को पेड़ पौधों की भी नीड्स है हमें इन्हें काटे बगैर या या काटे बगैर तो हमें इनसे कुछ मिलेगा मिलने मिलेगा इन सब कुछ काटना भी जरूरी है और पेड़ लगाना भी जरूरी है तो अगली प्रस्तुति मेरे पेड़ पौधों पर है तो चलिए मैं शुरू करती हूँ और मेरे प्यारे दर्शक धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोगों का बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं मुझे बहुत ही ज्यादा आगे की और प्रोत्साहित कर रहे हो तो चलिए अगली प्यारी सी कविता सुनने के लिए तैयार हो जाइए पेड़ पौधों पर भूल गए वो बचपन जिस पेड़ में हम खूब झूला करते थे भूल गए वो बचपन जिस पेड़ में हम खूब झूला करते थे खूब फलों को तोड़कर अपना पेट भरा करते थे खूब फलों को तोड़कर अपना पेट भरा करते थे पेड़ की कली को खिलते देखा है मैंने पेड़ की कली को खिलते देखा है मैंने उस कली के फूल की खुशबू को महकते देखा है मैंने उस कली के फूल की खुशबू को महकते देखा है मैंने ऋतु ऋतु का जब रुख बदले रितु का जब रुख बदले धरती भी अपना रंग बदलती है धरती भी अपना रंग बदलती है धीरे धीरे सात रंगों में पर्यावरण जगमगा उठती है धीरे धीरे सात रंगों में पर्यावरण जगमगा उठती है पेड़ पौधों की हमें रक्षा करनी है पेड़ पौधों की हमें रक्षा करनी है क्योंकि यह जीवन की जननी है क्योंकि ये जीवन की जननी है एक एक करके पेड़ लगाना है एक एक करके पेड़ लगाना है जीवन और पृथ्वी दोनों को बचाना है जीवन और पृथ्वी दोनों को बचाना है आज हम पानी देंगे कल वे हमें छाव देंगे आज हम पानी देंगे कल वे हमें छाव देंगे आज हम खाद देंगे तो कल वे हमें फल देंगे आज हम खाद देंगे कल वे हमें फल देंगे आज हम सेवा देंगे कल वे हमें जीवन देंगे आज हम सेवा देंगे कल वे हमें जीवन देंगे खुले आम कट रहे हैं पेड़ पौधे खुले आम कट रहे हैं पेड़ पौधे पता नहीं आगे क्या होगा पता नहीं आगे क्या होगा धीरे धीरे धरती कंक्रीट का बना हुआ गना जंगल होगा धीरे धीरे धरती कंक्रीट का बना हुआ गना जंगल होगा जंगल की कटाई हुई तो कहाँ जाएंगे प्राणी जंगल की कटाई हुई तो कहाँ जाएंगे प्राणी जीव जंतु का घर टूट गया तो कहाँ रहेंगे प्राणी जीव जंतु का घर टूट गया तो कहाँ रहेंगे प्राणी नदी नाले बाढ़ और गर्मी नदी नाले और बाढ़ और गर्मी से हमको बचाते हैं, से हमको बचाते हैं पृथ्वी की ओजोन लेयर की भी रक्षा करते हैं, पृथ्वी की ओजोन लेयर की रक्षा भी करते हैं जब तक मनुष्य खुद ना समझे जब तक मनुष्य खुद ना समझे नारों का कोई जोर नहीं नारों का कोई जोर नहीं खुद को सबसे आगे लाकर खुद को सबसे आगे लाकर पर्यावरण और समाज को बचाना है पर्यावरण और समाज को बचाना है किश्ती जब पूरी डूबी होगी किश्ती जब पूरी डूबी होगी तब मनुष्य आगे आएगा तब मनुष्य आगे आएगा बच्चा बच्चा बूढ़ा बूढ़ा एक एक पेड़ लगाएगा बच्चा बच्चा बूढ़ा बूढ़ा तब एक पेड़ लगाएगा तो ये रही मेरे पर्यावरण और पेड़ पौधों पर प्यारी सी कविता छोटी सी तो आशा करती हूं कि आप सभी को पसंद आई होगी और आ, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कोई भी पर्यावरण के प्रति कोई भी सचेत जागरूक ऐसा कुछ भी नहीं है बस पेड़ों की कटाई होते जा रही है बस बस हम बच्चों स्कूलों स्कूलों में पर्यावरण दिवस पर रैलियां निकालते हैं बहुत शोर शराबा से ऐसे मतलब रैलियां निकालते हैं पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ ये सब बोलने से कुछ नहीं होगा ये हमारे आंतरिक मन पर होता है कि हाँ जब इंसान खुद पर खुद को लगेगा कि हाँ तब तक हमें हम किसी को किसी के बोलने पर हम नहीं बदल सकते जब इंसान अंदर से अपने आप के बारे में और अपने पर्यावरण अपने समाज अपने हर चीज के बारे में सोचेगा तभी जागरूक हो सकता है और आप सभी का बहुत ही तह दिल से धन्यवाद फिर फिर से एक और बार जो आप मुझे बहुत ही प्रोत्साहित कर रहे हो और बहुत अच्छा लग रहा है जो आप मेरी कविता को सुन रहे हो तो मेरी एक और आ, लास्ट कविता है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट किनौर पर है मैंने सोचा एम सी एन किनौर पर मैं पहली बार अपने पहली बार इस पेज पर मैं किन्नौर के पेज पर आ, लाइव आई हूँ तो मैंने सोचा फिर से एक और बार ये कविता दोहराई जाए तो तो हमारे प्यारे श्रोतागण हमारे किन्नौर के प्यारे निवासी जो बहुत ही अपने कार्यों को लेकर अपने काम को लेकर बहुत ही ज़्यादा मेहनती है हर चीज़ को लेकर बहुत ही सुशील किस्म के लोग हैं हमारे किन्नौर के तो फिर से मैं एक और बार इस कविता को दोहराना चाहती हूँ तो तो चलिए शुरू करते हैं ऊंचे ऊंचे पर्वत नीला नीला आसमान ऊंचे ऊंचे पर्वत नीला नीला आसमान कल कल करती बहती नदियां कल कल करते बहती नदियां जो बड़ाए कि नौर की शान जो बड़ाए कि नौर की शान ये धरती है देव भूमि की ये धरती है देवभूमि की स्वर्ग के समान बचपन से सीख मिलती है बचपन से सीख मिलती है इस माटी से अपने माटी को कभी बिखरने ना देना अपने माटी को कभी बिखरने ना देना एकजुट होकर रहना कभी किन्नौर को टूटने ना देना कभी किन्नौर को टूटने ना देना किन्नौर की संस्कृति की बात ही निराली है किन्नौर की संस्कृति की बात ही निराली है गर्व है मुझे अपने वेशभूषा पर जो हमें इतनी आकर्षित बनाती है गर्व है मुझे अपने वेशभूषा पर जो हमें आकर्षित बनाती है हरी मखमल वाली टोपी किन्नौर की, की पहचान बढ़ाती है हरी मखमल वाली टोपी किन्नौर की पहचान बढ़ाती है यहाँ के यहाँ की लोकगीत चार चांद लगाती है यहाँ की लोग की चार चांद लगाती है बच्चे बूढ़ों को अपने तान पे नचाती है बच्चे बूढ़ों को अपने तान पे नचाती है फसलों की चमक दमक हमने पाई है फसलों की चमक दमक हमने पाई है खेत खलियान अपने हाथों से सजाई है खेत खलियान अपने हाथों से सजाई है मत पूछो यहाँ के रंगीन सेब जो पूरे विश्व में छाई है मत पूछो यहाँ के रंगीन से जो पूरे विश्व में छाई है सुख समृद्धि हमने पाई है सुख समृद्धि हमने पाई है अपने मेहनत से कमाई है ना झुकते हैं ना झुकाते हैं ये हमने अपने आत्म सम्मान से पाई है ना झुकते हैं ना झुकाते हैं ये हमने अपने आत्म सम्मान से पाई है यहाँ की कलाकृति कलाक। अपने में महान है यहाँ की कलाकृति अपने में महान है जहाँ देखो वहाँ इनकी पहचान है जहां देखो वहाँ उनकी पहचान है यहाँ हमारे संस्कृति की मान है यहाँ हमारे संस्कृति की मान है यह हमारे किन्नौर की, की शान है यह हमारे किन्नौर की, की शान है इस मिट्टी की सौगंध मैंने खाई है इस मिट्टी की सौगंध मैंने खाई है जो जीवन मैंने ईश्वर से पाई है जो जीवन मैंने ईश्वर से पाई है जिस मिट्टी पर कैलाश खड़ा है जिस मिट्टी पर कैलाश खड़ा है उस मिट्टी पर महादेव की परछाई है, ए की है। ए उस मिट्टी पर महादेव की परछाई है अगला जन्म भी इस माटी पर चाहिए है अगला जन्म भी इस माटी पर चाहिए। है तो ये रही मेरे अपने प्यारे से अपने किन्नौर की प्रस्तुति जो हमारे डिस्ट्रिक्ट किन्नौर बहुत ही शानदार और बहुत ही सुंदर हमारे यहाँ की कलाकृति यहाँ के सेब यहाँ का वेशभूषा यहाँ की बोली यहाँ का हर चीज आपको बहुत ही ज़्यादा अपने और अट्रैक्ट करता है यहाँ के लोग यहाँ के बहुत ही प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर गोरे बहुत ही सुंदर और सुशील किस्म के लोग रहते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में तो मैं मुझे गर्व है कि मैं डिस्ट्रिक्ट किन्नौर से बिलोंग करती हूँ मुझे बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील होता है अपने किन्नौर की बस दो चार लाइनें मैंने लिखी हुई है अपने इस कविता में तो आप सभी का तह दिल से स्वागत करती हूँ फिर से जो फेसबुक एम सी एन किन्नौर के फेसबुक लाइव पर जो आप मुझे देख रहे हो आप सभी का हार्दिक स्वागत है जो बड़े प्यार से सुन रहे हो तो आज की प्रस्तुति बस मेरी इतनी सी है आशा करती हूँ कि आप सभी को मैं आगे भी प्यारी सी प्यारी कविता लेकर उपस्थित होंगी तो आप सभी का धन्यवाद ठीक नमस्कार आप सभी को गुड नाइट